नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व सहकारिता मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने मनीष ग्रोवर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर की सीवरेज व्यवस्था पर 112 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी पूरा शहर जल भराव से जूझ रहा है। आखिर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी ये बाढ़ जैसे हालात कैसे बन गए? इस पर मनीष ग्रोवर ने कहा है कि उन्होंने 12 करोड़ रुपए कहा था, पता नहीं उन्होंने कहां से 112 करोड़ रुपए देख लिए। विधायक पहले अपनी याददाश्त ठीक करें। वहीं विधायक प्रकृति पर भी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे वोट बढ़ने वाले नहीं हैं। बाढ़ जैसे हालात केवल रोहतक में ही नहीं बल्कि देश के साथ साथ पाकिस्तान, चीन, अमेरिका में भी बने हुए हैं। लंबी बीमारी से गाय मर रही है जबकि देश में चीते लाए जा रहे हैं। इस पर मनीष ग्रोवर ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी गाय इलाज के बिना नहीं मरेंगी। हरियाणा सरकार ने दवाइयों का पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। गाय अगर मरी ही है तो वो राजस्थान में हजारों की संख्या में मरी है। इनेलो की फतेहाबाद रैली में तीसरे मोर्चे के आगाज की बात पर उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र है, कोई भी संगठन बना सकता है, मगर अब कोई भी आए देश में मोदी ही राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। मनीष ग्रोवर ने कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों को भाजपा में ज्वाइन करवाने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। मनीष ग्रोवर ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की थी, आज उनके समर्थकों ने भाजपा ज्वाइन की है, इससे भाजपा और मजबूत होगी। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय कार्यालय में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पूरे प्रदेश के चौधरी कुलदीप बिश्नोई के समर्थक माने मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से मिले थे। उसके बाद आज रोहतक जिला हमारे योगेंद्रनाथ मल्होत्रा जो लंबे समय से एक राजनीति करते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं और आप धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आप कांग्रेस में भी रहे, हजका में भी रहे, हजका का हमारा गठबंधन भी रहा और इसी बीच में आज हमारे रोहतक के प्रभारी और हमारे जिलाध्यक्ष उनके अध्यक्षता में आज योगेंद्रनाथ मल्होत्रा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे पुराने संबंध भी हैं, बेशक दल अलग हों परंतु आज दल भी एक है और संबंध भी पुराने हैं, मिलकर हम इस भारतीय जनता पार्टी की और ताकत मजबूत होगी। इस मजबूत से हम इस जिले के राजनीति भारतीय जनता पार्टी को और संगठन मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आज जिस तरह से आज चौधरी देवाल की जयंती मनाई जा रही है, वहाँ से ट्रंप का चुनाव, ये कह रहे थे कि तीसरे मोर्चे का यहाँ से आगाज किया जाएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र करने सबको अपना अधिकार है। मैं चौधरी देवीलाल के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं पंडित दीनदयाल हमारे महापुरुष जिन्होंने एकात्मवाद का हमें संदेश दिया, अंतिम व्यक्ति की चिंता करने के लिए काम किया, आज उनका भी दिन है, मैं उनके भी चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए आज का दिन भी पंडित दीनदयाल जी की जन्मदिन पर हमको बहुत बहुत उनके प्रेरणा से हम समाज और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। मैंने कहा जी लोकतंत्र है, कोई आए, परंतु देश में अब मोदी जी राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। चौधरी कुलदीप जी ने 4 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व व हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष व माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की थी। उनके साथ हजारों लोगों ने उस दिन भाजपा में आस्था प्रकट की थी, जिनमें से हम सभी साथी हाजिर थे। लेकिन विधिवत रूप से हमारा एक कर्तव्य था, जिला नेतृत्व के रूप में हम काम करना चाहते हैं कि उनका भी आशीर्वाद मेरे और मेरे साथियों पर रहे, तो उसको देखते हुए आज हमने भाजपा कार्यालय में आके इनके नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की है और इनको ये विश्वास दिलवाया है, मैं और मेरी टीम व कुलदीप जी के नेतृत्व में काम करने वाले सभी साथीगण जिला स्तर पर जो भी दिशा निर्देश देंगे जिलाध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी,
वह मनीष जी, हम उसका कर्तव्य करेंगे, पालन करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, ये मेरा कहना है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने आज पहली दफा भाजपा ज्वाइन की है और वो खुले तौर पर भाजपा को कहकर कांग्रेस आए हैं और कांग्रेस को अलविदा उन्होंने ओपन किया है। उन्होंने कभी दल बदलू नहीं किया, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से हजका कांग्रेस थी, वो भी कांग्रेस का पार्ट थी, फिर कांग्रेस में चले गए। ये पहली दफा 4 अगस्त को भाजपा में आए हैं और भाजपा में ही रहेंगे और यहीं सारी जिंदगी, मुझे विश्वास है वो काम करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।